सभी को इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है। कृपया पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें किसी भी तरह की भीड़ जो है कहीं पर भी होगी अवैध होगी। अतः सभी से अनुरोध है कृपया अपने अपने घर चले जाएं। मिर्जापुर की सड़कों पर इतना बवाल हुआ कि प्रशासन को हालात काबू में करने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात करने पड़े। विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली जा रही राम जानकी यात्रा जब शहर के गुलहट्टी चौराहे पर पहुंची तो किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले, मारपीट हुई, कई जख्मी हुए। शहर में कोहराम की खबर मिलते ही डीएम और एसपी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात सामान्य करने में पुलिस के पसीने छूट गए। खेड़ी बाजार से राम जानकी का जुलूस निकल रहा था, इसी में दोनों पक्षों में कुछ बातचीत हुई है और उसी को बाकी एनालिसिस किया जाएगा, क्या दिक्कत थी, किस कारण से ऐसा हुआ उसको जांच करेंगे। दरअसल 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाली शोभा यात्रा के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जन जागरण यात्रा निकाल रहे थे जिसमें करीब 200 लोग शामिल थे। लेकिन गुलहट्टी इलाके में जन जागरण यात्रा के पहुंचते ही महाभारत शुरू हो गया। अब वीएचपी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। राजद तत्व लोग माहौल बिगाड़ने के लिए हमला किए, अच्छी नहीं है। हमारे सभी विहित वालों का एक ही मांग है कि जो हमला किए हैं उनका शीघ्र ही गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं है। और धारा 144 प्रशासन लगाया है तो धारा 144 का मतलब है कि कोई भी जुलूस नहीं उठना चाहिए, नहीं तो इसमें आक्रोश और बढ़ेगा। वीएचपी ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है और आज मिर्जापुर बंद का ऐलान किया है। साथ ही वीएचपी ने साफ साफ कह दिया है कि आज शहर में किसी तरह की यात्रा नहीं निकलने देंगे। फिलहाल मिर्जापुर शांत है लेकिन वहां की फिजा में